NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। इस्तेमाल है, अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेगी ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट में वो सिग्नल ट्रांसमिट करेगा। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में जो भी क्लिप्स आप लोगों ने देखी है ये वही मीडिया वालों के क्लिप्स है जिसे देखकर आप लोगों को ये फील होता है कि ये लोग भारत की कोने कोने की खबरों से आप लोगों को अपडेटेड रखते हैं, राइट। और अगर नॉर्मली देखा जाए तो भारत के एक आम नागरिक की यही सोच होती है, दैट्स इट। लेकिन एक मिनट, क्या सच में हमें ये मेन स्ट्रीम मीडिया वाले भारत के हर उस कोने से अपडेटेड रखते हैं जिससे हम अनअवेयर है, या सिर्फ और सिर्फ ये भारत का वो कोना दिखाते हैं जो मेन इश्यूज से पूरा हटकर होता है? जी हाँ दोस्तों, ये हर उस टॉपिक को रेस करते हैं जो मेन इश्यूज से पूरी तरह से हट करके होता है, और इसी को मास डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, जिसमें हमारे मीडिया वालों ने महारत हासिल कर रखी है क्योंकि ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पब्लिक अटेंशन से किस तरह से खेला जाए जहाँ पर पब्लिक का ध्यान ही ना जा सके। मीन्स ये वही दिखाते हैं जो वो चाहते हैं और ना कि जो आप देखना चाहते हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मीडिया वालों ने SSR केस को एक मजाक बनाकर रख दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि SSR केस पर बात ही ना की जाए, बेशक करना चाहिए, लेकिन साथ ही में उन मेन इश्यूज़ को भी रेस करना चाहिए जो भारत की असली हकीकत को दर्शाता है। लेकिन नहीं, इन्हें तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ TRP, और सारे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले इसी के कंपटीशन में लगे हुए हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरी सच्चाई इस वीडियो में, जिस पर मीडिया वाले हमारा अटेंशन जाने ही नहीं देते, या सिंपली कह दे कि वहाँ से हमारा अटेंशन ड्रॉ कर दिया जाता है। दोस्तों, जब से सुशांत सिंह जी की खबर आई है तब से इन मीडिया वालों ने TRP गेन करने का एक मौका भी नहीं छोड़ा है। पूरा का पूरा जस्टिस के नाम पर एक मजाक बनाकर रख दिया इस केस को। बेशक हम सब चाहते हैं कि SSR केस में पूरा जस्टिस मिले, और इसी काम में CBI पूरी तरह से जुटी हुई है और किसी भी तरह से ये लोग कुछ ना कुछ लिंक लगाकर मेन इश्यूज़ तक पहुँच ही जाएंगे। लेकिन हमारी मीडिया ने दीपिका के व्हाट्सएप चैट से लेकर रिया चक्रवर्ती के ड्रेस कलर को तक हाईलाइट कर रखा अपनी न्यूज़ में। ये देखिए, appears that Deepika Padukone was the admin of the WhatsApp group, a sensation. रिया पीछे की सीट पर बैठी है, तस्वीरें काले कपड़ों में रिया को आप देख रहे हैं, तस्वीरें एक्सक्लूसिव। देखा आप लोगों ने, और तो और इनके हेडलाइंस ऐसे लाजवाब होते हैं जिस पर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। अब इससे ज़्यादा उम्मीद इन लोगों से की भी क्या जा सकती है? दोस्तों, आज जो हाथरस विलेज में सिचुएशन बनी हुई है उससे इम्पोर्टेंट टॉपिक और हो भी कह सकता है, लेकिन एक PR फर्म को हायर कर लिया जाता है इस न्यूज़ को एक अलग दिशा देने के लिए। पूरा के पूरा एविडेंस मिटा दिया जाता है रातों रात, ताकि कोई इसे रिटर्न कोई टेस्ट ना कर ले और इसका एक्चुअल ट्रूथ और फैक्ट्स लोगों के सामने ना आ सके, क्योंकि इसके रिपोर्ट में पहले कुछ और बता दिया गया और रातों रात ये चीज़ें कर दी गई। तो सोचिए कैसे कोई रिटर्न उस चीज़ का टेस्ट करके एक एक्चुअल फैक्ट ला सकता है। दोस्तों, एक्चुअली ये मीडिया वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि लोगों का अटेंशन इन सब मेन इश्यूज पर से कैसे हटाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, इस फुटेज को देखना, इसे देखने पर आप लोगों को ये समझ आ जाएगा कि कैसे मास डिस्ट्रैक्शन शुरू हो चुका है। दक्षिण भारत में आपको ऐसे बहुत ही कम प्राचीन मंदिर दिखाई देंगे जिन्हें तोड़कर वहां मस्जिद बना दी गई है। इसे देखने पर यही पता चलता है कि कैसे एक भड़काऊ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। वो कुछ लोग होते हैं ना, भावुक लोग, तो ये सब चीज़ों पर वो जल्दी भड़क जाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करने लगते हैं कि मीडिया वालों को एक अलग टॉपिक मिल जाता है उस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, और सिर्फ ये लोगों का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए किया जा रहा है मेन इश्यूज़ पर से, दैट्स इट। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, हरियाणा में फार्मर्स का क्या सिचुएशंस बनी हुई है किसी को पता है? हो सकता है कि हाथरस विलेज और फार्मर्स के बारे में आप लोगों ने सुना ही ना हो, वो इसलिए क्योंकि मीडिया वालों ने इसे प्रॉपरली हाईलाइट किया ही नहीं, जिसके वजह से आप लोगों को ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल पता हो। और तो और भारत की इकोनॉमी का क्या हाल बना हुआ है ये तो आप सब खुद जानते ही होंगे, क्योंकि ये न्यूज़ पूरी तरह से अंडरग्राउंड फैल चुकी है कि आज भारत की इकोनॉमी कहाँ पर है और इसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन इस पर मीडिया वालों ने सरकार से एक भी सवाल करने की कोशिश नहीं की है, और करेंगे भी क्यों, क्योंकि ये मीडिया किसी के अंडर में काम करती है। इस क्लिप को देखिए। इस सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए कि क्या मोदी, माफ कीजिएगा, धोनी को अब रिटायर हो जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इसे देखने पर तो आप लोग को अब समझ ही आ गया होगा कि किसके अंडर में काम करती है। बस यही नाम इनके दिल और दिमाग में बसा हुआ है, मतलब कि कुछ भी कहने जाते हैं तो इनकी जुबान पर एक ही लफ्ज़ आता है और वो आप लोगों ने सुन ही लिया है। और यही वजह है कि ये लोग कुछ अलग ही पॉइंट्स को लेकर पॉलिटिशियंस की एक पॉजिटिव इमेज बनाने की कोशिश करने लगते हैं। आज के समय में SSR केस के जस्टिस के लिए जो लड़ रहा है उस शख्स को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे। इनके चैनल ने SSR केस की आड़ में मेन इश्यूज पर ऐसा पर्दा डाल रखा है कि जिसे चाहकर लोग समझ ही नहीं सकते। भारत में कैसे अनएम्प्लॉयमेंट ने जगह बना रखी है इस डेटा पर कोई बात नहीं कर रहा है दोस्तों, मतलब कि भारत के अनएम्प्लॉयमेंट डेटा पर बात नहीं की जा रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में, ना कि हरियाणा के फार्मर्स की बातें की जा रही है, ना कि भारत की GDP के बारे में बातें की जा रही है। तो फिर एक्चुअली ये लोग दिखा क्या रहे, पूरे टेलीविज़न पर टेलीकास्ट कर क्या रहे। चलिए देख लेते हैं, स्पेशली जो आप मानते हो कि जो SSR केस के लिए चैनल लड़ रहा है वो लोग क्या एक्चुअली किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं उसे देख लेते हैं। दोस्तों देख लिया आप लोगों ने, आप क्या कहना चाहोगे इस फुटेज को देखने के बाद ज़रूर कमेंट करना। दोस्तों इस क्लिप को देखने के बाद एक ही सवाल खड़ा होता है कि ऐसा जर्नलिज्म इन लोगों ने सीखा कहाँ से है। और दोस्तों सिंपली ये एक सब सोचा समझा प्लान होता है एक मीम मटेरियल बनने के लिए। आप लोगों ने ये फुटेज ऑलरेडी इंस्टा के कई सारे मीम पेजेस पर देखा ही होगा और भी ऐसी कई सारी फुटेजेस है जिसे मीम पेज पर ऑलरेडी लोगों ने यूज़ कर करके काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को ट्रोल किया है। और सिंपली इन सब से होता यह है कि इनकी TRP काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर जाती है। लेकिन ये जिस तरह से दीपिका से सवाल पूछ रहे थे गाड़ी के पीछे, क्या कभी इन लोगों ने गवर्नमेंट से सवाल पूछा है मेन इश्यूज़ पर रिलेटेड? GDP के इशू को लेकर इन लोगों ने सरकार से सवाल पूछने के बजाय किससे सवाल पूछा है पता है? ये देखिए। चुप क्यों हो सलमान? किस शहर में हो तुम? किस देश में हो तुम सलमान? इतने जोशीले अंदाज में सलमान से सवाल कर रहे हैं, उसे देखने के बाद तो यही कोई सोचेगा कि हाँ भाई ये सलमान के काफी ज्यादा अपोजिशन में खड़ा है। ठीक है, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन कल के ही दिन में एक ये इमेज वायरल होती है जिसमें साफ साफ दिखता है कि इनके चैनल पर एक बिग बॉस का ऐड चल रहा होता है। अब इसे देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है? मतलब कि TRP के लिए लोग कोई भी हद तक के जा सकते हैं। मतलब देखकर अब ऐसा लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया भारत की कुछ अलग ही हो गई है। अगर ये सब मिलकर भारत में अनएम्प्लॉयमेंट पर सरकार से सवाल पूछते तो क्या बात होती थी। अब वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उन लोगों को, आई मीन अंधभक्त लोग आकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और बोलेंगे कि बहुत से न्यूज़ वालों ने आतरास के न्यूज़ को टेलीकास्ट किया है, तू क्या बोल रहा है कि किसी ने भी कवर अप नहीं किया, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक मिनट, वो सब इन लोगों ने इसलिए हाईलाइटिंग शुरू कर दी है क्योंकि इस केस ने इंटरनेशनल मीडिया को तक ट्रिगर कर दिया है। और इसी हाथरास विलेज के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक आर्टिकल पब्लिश कर रखा है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो सिंपल सा मतलब ये समझता है कि अगर इंडियन मीडिया इससे थोड़ा भी टेलीकास्ट नहीं करती तो ऑब्वियस है कि सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। अब जो भी लोग ये मानते हैं कि ये इकलौता ऐसा शख्स है जो जस्टिस फॉर SSR कर रहा है, बहुत लड़ रहा है जस्टिस के लिए, 2400 घंटे अपने चैनल पर सिर्फ जस्टिस की आवाज़ें उठा रहा है, तो बहुत ही बोले हो आप लोग। इस फुटेज को देखिए जो ऑफिशियल पिंग ह्यूमन नाम के चैनल से ली गई है। योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी योगी जी। आई लाइक टू कांग्रेचुलेट यू ऑन योर 100 days इन गवर्नेंस। थैंक यू, यू हैड अ वेरी वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड। अब आप लोग क्या कहना चाहोगे? अपने ख्याल ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, कमेंट सेक्शन खोले आप लोगों के लिए। मुझे पता है बहुत से अंधभक्त आकर मुझे गालियाँ देंगे, मुझे हेट देंगे, लेकिन ये जो फैक्ट है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें कुछ भी मैंने ऊपर बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया। दोस्तों ये मीडिया वाले सिर्फ और सिर्फ अटेंशन ड्रॉ करने का काम करते हैं आम जनता का, दैट्स इट। और इनका कोई काम ही नहीं है क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया है कि ये किसी के अंडर में काम करते हैं और इन्हीं सब की वजह से आए दिन नए नए अंधभक्त आते रहते हैं। दोस्तों मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि ऐसे मेन स्ट्रीम मीडिया की जब भी कोई आप न्यूज़ देखो तो थोड़ा सा उस पर रिसर्च कर लिया करो, ना कि कोई भड़काऊ माहौल में आकर के कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठो कि इनको बस एक और एक टॉपिक मिल जाए हाईलाइट करने के लिए अपनी न्यूज़ में, और इसी के पीछे मेन मुद्दों को ये फिर से दबा कर रखते। दोस्तों भारत की GDP में डाउनफॉल तो हुआ ही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन GDP में जो सुधार आया है तो वो है मेन स्ट्रीम मीडिया वालों की। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये एक एक्चुअल फैक्ट है। तो दोस्तों ये सब पूरी जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में क्लिप शेयर किए, जो एक्चुअल रियलिटी शेयर किए, उन सबको देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मिस्टीरियस और एक्सपोज वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।